वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करेंगे राशन कार्ड स्टेटस को लेकर। राशन कार्ड स्टेटस को लेकर इसलिए बात करेंगे, जिनके राशन कार्ड में जब उन्होंने ऑनलाइन कराया था उस समय जो मोबाइल नंबर दिया था वो किसी कारण की वजह से उनसे मिस हो चुका है या खो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में वो अपने राशन का स्टेटस नहीं चेक कर पा रहे हैं। और अगर आपने यूनिट अपडेट कराए हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत में 6 यूनिट वाला चल रहा था और किसी के परिवार में 6 यूनिट पहले से ही थे और उसका एक दो यूनिट कटा हुआ था और यूनिट ऐड नहीं करा पाए थे, तो अब वो यूनिट ऐड कराने के लिए उन्होंने प्रोसेस करा दिया है, तो वो यह देखना चाहते हैं कि यूनिट अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस स्टेटस को हम चेक करेंगे बिना आधार ओटीपी के और बिना मोबाइल ओटीपी के। तो चलिए, आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई भी एक वेब ब्राउजर ओपन कर लेना है और ऊपर लिखना है राशन कार्ड। राशन कार्ड लिखने के बाद आप अपने राज्य का नाम पहले लिख करके राशन कार्ड में लिख सकते हैं। तो इस समय स्टेटस जो चेक कर रहे हैं हम, वो यूपी का कर रहे हैं, तो जो पहला पेज खुला है उसी पर हमें क्लिक कर देना है। तो राशन कार्ड का जो होम पेज है वो हमारे सामने खुल करके आ चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं राशन कार्ड आवेदन की स्थिति। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रोसेस चेक होगा, आवेदन हेतु ओटीपी प्राप्त करें। यहाँ पर ओटीपी से प्राप्त होगा, बिना ओटीपी के प्राप्त नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ से इसे बैक कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर जाते हैं, राशन कार्ड की पात्रता सूची पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर अमरोहा सिलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ रहा है टाउन और नीचे आ रहा है आपका अब ब्लॉक। तो आपको जो भी आपका एरिया रहता है उसे आप क्लिक कर ले। तो यहाँ से मैं अमरोहा ही आ रहा है, इसे मैं एनपी को क्लिक कर लेता हूँ, टाउन एरिया को। और यहाँ पर आपके सामने डीलर के नाम खुल करके आ जाएंगे, तो मैं पहले ही ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देता हूँ। आप अपने अनुसार ग्राम पंचायत भी नीचे सर्च कर सकते हैं ब्लॉक में जाकर के। तो यहाँ पर मैं मामूली मतलब नॉर्मली दिखा देता हूँ। यहाँ पर राशन कार्ड की जो संख्या रहती है वो हाइड रहती है, तो आप यहाँ पर जाएंगे रो पर। रो पर जाने के बाद ये आ रहा है 75, यहाँ पर शो कर देंगे शो ऑल। उसके बाद यहाँ पर आपको 2024 लिख देना है और हम ऊपर स्क्रॉल करेंगे से, तो 2024 में जितने भी राशन कार्ड जारी हुए हैं या राशन कार्डों में कोई भी करेक्शन हुआ है उनकी सभी की डेट यहाँ पर आ रही है। ऊपर लिखा है राशन कार्ड जारी डिजिटल हस्ताक्षर करने की तिथि, तो देख सकते हैं ये फरवरी में है और ये 2 अगस्त 2024 को ही इसमें अपडेट हुआ है या नया राशन कार्ड जारी हुआ है। ये 1 अगस्त 2024 का है और ये 14 फरवरी का है, ये 27 जनवरी का है, ये 15 जुलाई का है और ये 7 मार्च का है। तो आप इसमें देख सकते हैं डेट भी लिखा हुआ आ रहा है और इनकी करेक्शन या जारी की दिनांक भी लिखी आ रही है। कुछ राशन कार्ड इसमें ऐसे होंगे जिसमें यूनिट ऐड किया गया होगा और कुछ राशन कार्ड इसमें ऐसे होंगे जो नए जारी किए गए होंगे। तो देखिए, ये तो एनपी की सूची रही है और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ क्षेत्र वाइज पे जाकर के। और नीचे यहाँ पर आ जाएंगे ब्लॉक, कोई भी ब्लॉक आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर अमरोहा सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर ग्राम पंचायत आ जाएगी, ग्राम पंचायत को सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर अंत्योदय राशन कार्ड की सूची रहती है और ये पात्र गृहस्थी की रहती है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ऊपर जो है डीलर का नाम, ग्राम पंचायत का नाम और सब कुछ आ जाएगा। और यहाँ पर आपको फिर से रो जो है आल कर देना है और यहाँ पर लिखना है 2024। जैसे आप लिखेंगे तो देखिए 29 फरवरी 2024 का है, ये 3 जनवरी 2024 का है, ये 29 फरवरी 2024 का है। तो इसमें आप इस प्रकार से जो आपने अपने राशन कार्ड का आवेदन किया है, अगर आपका राशन कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है तो समझ लीजिए कि आपका राशन कार्ड जारी हो चुका है। आप अपने डीलर के पास जा करके अपना राशन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। और आपको राशन कार्ड का पूरा नंबर चाहिए तो उसकी वीडियो मेरे चैनल पर है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आई बटन पर दे दूंगा, इसी टाइम आप उसे जाकर के देख सकते हैं कि आप आधार नंबर से राशन कार्ड नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी राशन कार्ड से संबंधित यही जानकारी लेकर के मैं आपके सामने आया था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी का, तब तक के लिए जय हिंद।